छठ पूजा पर निबंध। परिचय। छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। यह कार्तिक माह के छठवें शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह एक शुभ अवसर है और हर वर्ष मनाया जाता है। इस पूजा में लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। यह पुरुष या महिला किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। जो कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वे छठ माता से प्रार्थना करते हैं। विश्वास का एक अवसर। ऐसी मान्यता है कि छठ माता उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, जो इस व्रत को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू धर्म
के पवित्र कार्तिक माह के छठवें दिन मनाया जाता है, कॉमा इसलिए इसे छठ के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है छह। एक मान्यता यह भी है कि भगवान सूर्य की एक बहन थी जिसका नाम छठ माता था, कॉमा इसलिए लोग उनकी बहन को प्रभावित करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लोग इस व्रत को रखते हैं और आज कल दुनिया भर में लोग इस त्योहार को मनाते देखे जा सकते हैं। इस विशेष अवसर के लिए लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और कई नियम तथा प्रतिबंध हैं जिनका इस व्रत को करते समय कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये नियम बेहद ही कठिन होते हैं।
फिर भी लोग अपने चेहरे पर खुशी के साथ इसका पालन करते हैं। वे 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, कॉमा फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। वास्तव में यह विश्वास का त्योहार है जो उन्हें इन कई दिनों तक उपवास रखने में मदद करता है। निष्कर्ष: भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक की एक अलग मान्यता होती है। इसी तरह कॉमा छठ पूजा भी उनमें से एक है। यह हर साल दिवाली के बाद छठवें दिन मनाई जाती है और हमें इस अवसर पर काफी खुशी महसूस होती है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।